हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 to 5। आपके क्वेश्चन, आपके इसके वर्ड प्रॉब्लम हो चुके हैं। 5 to 10, 6 to 10 आज आप कराए जाएंगे। तो रीड क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी 5 रुपीज़ नोट वन कैन हैव फ्रॉम रेड 57,525। कितने 5 रुपीज़ के नोट हैं वन कैन हैव फ्रॉम रुपीज़ 57,525। तो अमाउंट क्या है आपका, मनी क्या है 57,000। सो क्वेश्चन आंसर इज अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट क्या है आपका मनी का, 57,525 रुपीज़ नोट इन ऑफ 5 रुपीज़ का नोट है। तो टोटल नंबर ऑफ नोट, आपको टोटल नोट निकालने के कितने हैं 5 रुपीज़ के नोट। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिवीज़न करेंगे। 5 का डिवीज़न आपका ये 57,525 से करेंगे। तो पहले वन टाइम आपने किया डिवीज़न इसको, 5 1 जा 5, 7 को आप नीचे लेकर आए हैं आप, तो फिर 5 का वन टाइम फिर किया, तो 5 1 जा 5, 2 आपका माइनस करके आया, 2 5 को फिर आपके लाए, 25 हो गया। तो 5 5 जा 25, अब आप 2 लेकर आए हैं, 5 का डिवीज़न 2 से करेंगे नहीं जाएगा, तो आपका 0 आ जाएगा ऊपर। देन आप अपने 5 को यहाँ पर नीचे पुट किया तो 25 हो गया, तो 5 5 जा 25। तो आंसर कितना हो गया आपका, 11,505 नोट्स। कितने नोट्स आएंगे, 11,505 नोट्स आपके आएंगे 5 रुपीज़ के, 11,505 नोट्स। सी क्वेश्चन नंबर 7। द कॉस्ट ऑफ 5 TV सेट इज़ ₹61,680। वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 TV सेट। तो 5 TV सेट की कॉस्ट 61,680 रुपीज़ है। तो वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 TV सेट, 1 TV सेट की कॉस्ट क्या होगी। सो आंसर इज कॉस्ट ऑफ 5 TV सेट 61,680। तो कॉस्ट ऑफ 1 TV, 1 TV की कॉस्ट कितनी है 61,680 का। आपने 5 से डिवीज़न करेंगे तभी तो आंसर आएगा, पहले आप इसको डिवीज़न करिए। ये देखिए डिवीज़न आपने किया हुआ है यहाँ पर, 5 का डिवीज़न करेंगे आप 61,680 का, तो आंसर क्या आएगा 12,336। इसको डिवीज़न करना है, डिवीज़न 5 का डिवीज़न पहले 6 में करेंगे वन डिजिट में, तो 5 1 जा 5, 1 माइनस हो गया आपका, 1 को आप लाए तो 11 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया आपका, फिर 1 माइनस हो गया आपका 6 आप हो गया तो 16 हो गया आपका, 5 3 जा 15 हो गया, 1 फिर माइनस हो गया आपका, 8 को आप लाए तो 18 हो गया, तो 5 3 जा 15 हो गया, 15 आ गया, तो 8 से 5 माइनस किया 3 आया, तो ऊपर से फिर आप 0 लाए तो 30 हो गया। अब 5 की टेबल पढ़नी है आपको, 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो 5 6 जा 30, तो आंसर आ गया यहाँ पर 6। तो कितना आंसर आया, 12,336 रुपीज़ आ गए आपके 1 TV की कॉस्ट है, ये आपकी 1 TV की कॉस्ट आ गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर एट रीड करिए। डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 28,576 इक्वली एमंग 16 फ्रेंड्स। देखिए ये अमाउंट है आपका 28,576, इनको 16 फ्रेंड्स में इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे आप, इसको भी सिंपली 16 का डिवीज़न कर देंगे 28,576 का। देखिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वी विल डिवाइड इट, डिवाइड करने से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप इसको। तो 28,576 का डिवीज़न किया 16, तो पहले 16 का वन टाइम 16 28 से किया तो 1 हो गया, माइनस किया 28 से 16 तो 12 आ गया, फिर 5 को आप लाए तो 125 हो गया आपका। तो 125 का डिवीज़न करेंगे आप 16 से, तो कितने 7 टाइम्स में होगा 112 आया, उसको माइनस किया आपने तो 13 आया, फिर आप 7 लाए तो 137 हो गया। अब आप 16 का डिवीज़न करेंगे 8 टाइम्स, तो 128 हो गया। अब आपका 128 को माइनस किया आपने 136 7 से तो 9 आया, फिर 6 को आप फिर नीचे लाए तो 96 हो गया। अब 16 की टेबल पढ़िए, 96 6 टाइम्स में आता है, तो 6 आ गया वहाँ पर, 96 कट हो गया पूरा, यानी कि ईच विल गेट एक फ्रेंड्स को 1768 रुपीज़ मिलेगा। इसमें पूछा गया है कि 16 फ्रेंड्स को कितना मिल रहा है, सबको डिवाइड कर दिया गया है, तो एक फ्रेंड को कितना आया एक फ्रेंड के उसमें, तो 1768 रुपीज़ वन फ्रेंड्स को मिलेगा।
सी रीड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 26। एक नंबर है जिसको 26 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो द प्रोडक्ट इज, कितना प्रोडक्ट आएगा, 13,312। फाइंड द नंबर, वो नंबर आपको निकालना है, वो नंबर आपको निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए आपको इसी प्रोसेस से करना है। पहले ब्रैक स्पेस मल्टीप्लाइड 26, तो आपको ये जो नंबर आया ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे तो आपका वो नंबर आ जाएगा कि आपको 26 का मल्टीप्लाई किस डिजिट से करें, 26 का, कि आपका आंसर 13,312 आ जाए। तो 26 का डिवीजन जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 26 का डिवीजन करेंगे 133 में, तो 5 टाइम्स जाएगा, 130 आ जाएगा। माइनस किया 3 आ गया, 1 को नीचे लाया तो 26 का 1 टाइम करेंगे 26 हो गया, माइनस किया 5 आ गया आपका, 2 आप नीचे कैरी लाए तो 52 हो गया आपका। तो 26 2 जा 52, तो आंसर कितना आया 512, आंसर कितना आया 512। सो लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 512 ट्रीज इन ऑर्चर्ड, ट्रीज आर इन डिफरेंट रोज हैविंग इक्वल नंबर्स ऑफ ट्रीज इन ईच रो, इन ईच, इफ ईच हैज 16 ट्रीज फाइंड द नंबर ऑफ रोज। आपको इसमें नंबर ऑफ रोज निकालने, नंबर ऑफ ट्रीज कितने एक ऑर्चर्ड में, ऑर्चर्ड में 512, नंबर ऑफ ट्रीज ईच रो में कितने हैं 16, तो आपको रोज निकालने कितनी रोज हैं उसमें। लास्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड 512, नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो 16, नंबर ऑफ रोज 512 का 16 से डिवीजन करेंगे आंसर आ जाएगा। 16 का पहले करेंगे 51 में, 3 टाइम्स 48 आ गया, माइनस किया 3 आया, 2 को लाए तो 32 हो गया। अब 16 2 जा 32, तो आंसर कितना आया 32, 32 रोज हो जाएंगी आपके, आंसर कितना हो गया 32 रोजेस, ये आपका आंसर हो गया आपका। अब आपको जो भी क्वेरी है इस एक्सरसाइज में, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आपकी, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।